एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। खुशियों की लहर आ चुकी है गाइस। आपको मालूम भी नहीं है कि हमारा ये चैप्टर नंबर 16 का लास्ट वाला पार्ट है। और सफ़र अच्छा रहा हमारा। हमने केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट ख़त्म कर दिया। आज ख़त्म करने ही जा रहे हैं, बस ख़त्म हो जाएगा आज ये वाला पढ़ के नैनो केमिस्ट्री। और हमारी पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, पूरे 16 चैप्टर। इतने हमने 6 मंथ में पूरा कंप्लीट किया है। रात दिन बराबर मेहनत लगी है। एक दिन में 3-3 वीडियो 1-1 आवर के डाले हैं, क्योंकि उतना बड़ा टॉपिक भी है तो उतना बड़ा पढ़ाना भी पड़ेगा। अब हायर सेकेंडरी में हो, HSC में हो, तो ऐसे ही थोड़ी होगा कि यार 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो में हो जाएगा। तो मस्त पढ़ाया मैंने अच्छे से, लाइन टू लाइन ईच एंड एवरीथिंग विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर पूरी वीडियोस देखते हो यार तो 90 है वो तो फिक्स ला सकते हो, चाहे जो भी हो जाए। मैंने बोर्ड के बेसिस पे आपको ऐसा तैयार कर दिया है कि अगर आप एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ते हो ना, तो समझ लो कि तुम एकदम रॉक करोगे एग्जाम में। बहुत ही मजा आएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर तुम देने के लिए एबल रहोगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और बहुत ज़्यादा आज खुशी हो रही है कि आज हमारा पूरा केमिस्ट्री भी खत्म होने जा रहा है। हमने फिजिक्स खत्म कर दिया, अब बायोलॉजी बाकी है तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने कितने चैप्टर तुम्हारे पढ़ के दोनों हो गए हैं, प्लीज जरूर बताना यार, मुझे थोड़ा खुशी मिलेगी तुम लोग से जान के। ठीक है, ये चैप्टर वैसे तो रीड करके भी समझ जाता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा बहुत तो समझाऊंगा चाहे जो भी हो जाए, अच्छे से एकदम, जिससे कि आपको सब एकदम बेस्ट हो जाए। ठीक है, सो आप देख रहे हो चैप्टर नंबर, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो ले लो यार, बिना इंट्रोडक्शन के थोड़ी स्टार्ट करेंगे। अब इमोशनल इतने भी नहीं होना चाहिए, सच में मेरे आंखों में तो आंसू आ चुके हैं, और कोई नहीं। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 16 हमारा ये लास्ट टॉपिक है, और शायद इसके बाद मेरी वीडियोज तो आएंगी, कोई नहीं, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 का, हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। सो आज ये हमारा लास्ट वाला पार्ट। और गाइस, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप लोग कोई भी इंक्वायरी करना चाहो तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, हमारा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर यार शेयर सब्सक्राइब भी करना, मजा आ जाएगा। चलते हैं इस चैप्टर को थोड़ा बहुत समझते हैं। समझने जैसा तो कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, बट फिर भी चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मेरा नाम प्रशांत है, ये बोलना भूल गया था मैं। चलो अच्छी बात है, आज तो पूरा इमोशन पे चलने वाला लेक्चर है ना। चलो कोई नहीं, सो इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री, बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस देखते हैं इसको क्या है। तो क्लोथ, सनग्लासेस और ऐसे बहुत सारे मतलब हार्ड ड्राइव्स सब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इन सभी में हमारी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये एग्जैक्टली नैनो टेक्नोलॉजी क्या है आगे चल के हमें समझ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ये बहुत ही बड़े बड़े पार्ट्स में मटेरियल लाइक DVD, CD प्लेयर है ना, इन सभी में भी हमारा मतलब नैनो साइज, यानी कि बहुत ही छोटा सा साइज, नैनो मतलब छोटा, इतना छोटा कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं नैनो केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली यार अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज नैनो साइंस, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनो साइंस, है ना। तो नैनो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, बहुत छोटा। ठीक है, साइंस मतलब जिसमें हम लोग रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, है ना, मैनिपुलेशन करते हो, जिसमें फेनोमेना को हम प्रूफ करते हो, उसे साइंस कहते हैं। तो नैनो साइंस क्या होता है? तो नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना, डेफिनेशन है तो एग्जैक्टली बताना पड़ेगा ना यार, है ना। तो नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल, मैनिपुलेशन मतलब जिसमें इंसान कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, ऑफ अ मटेरियल एट एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर स्केल्स, यानी कि इस लेवल में, एटॉमिक लेवल में, मॉलिकुलर लेवल में, मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोमोलिकुलर लेवल में हमारी मतलब जो भी नैनो केमिस्ट्री या कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। तो इसी के फेनोमेना की स्टडी करना ही हमारा नैनो साइंस कहलाता है। समझ गया, ये बात आपको समझनी है। और फिर हम नया नया एक सिग्निफिकेंटली बड़ा सा लार्जर स्केल में इसकी स्टडी करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, नैनो साइंस। बहुत ही आसान सा है, छोटे छोटे चीजों की स्टडी करना बड़े स्केल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, जैसे कि छोटी चीजों से बड़ी चीज तक जाते हैं, इसे कौन नहीं जानता, ये हमारी प्यारी सी टेनिस बॉल है। इसके लिए तो बहुत सारे मैटर मैंने किए थे भाई, चलो ठीक है कोई नहीं, बता दूंगा थोड़ा बहुत क्या है। तो यहाँ पे देखो, पहले स्टार्ट करते हैं वाटर से। देखो यार, पहले एक चीज जान लो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर। ठीक है, ये आपको समझ के रखना, एक रिलेशन है। 1 नैनोमीटर ये एक छोटी सी यूनिट है, ऐसे एक 1 डेकामीटर, 1 पिकोमीटर होता है ना, 1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, दोनों होते हैं। तो ये आपको एक रिलेशन याद रखना है। अगर देखो यहाँ पे सब नैनोमीटर
नैनोमीटर का स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर है, ठीक है। 0.1 नैनोमीटर का हमारे एक वाटर का मॉलिक्यूल का साइज होता है। अब 0.1 नैनोमीटर मतलब क्या होगा, (10^-9) मीटर, मतलब इतना छोटा। अगर ऐसे ही एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लो तो वो क्या होता है, ये 1 × 10^-9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर है ये, और नैनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10^-9 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, व्हाइट ब्लड सेल जो रहते हैं, है ना, तो जो एंटीबॉडी है उसका साइज कितना है यहाँ पे 10 नैनोमीटर, मतलब 10 नैनोमीटर है ना, तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो नैनोमीटर से। ऐसे एक वायरस का साइज 100 नैनोमीटर होता है, फिर एक बैक्टीरिया का साइज उससे भी बड़ा होता है, वायरस बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। फिर कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो 10,000 नैनोमीटर होते हैं, मतलब समझ रहे हो, 10,000 नैनोमीटर, यानी कि (10^-9) कर दो तो आपको मिल जाएगा मीटर, यानी कि जानते हो कितना हो गया ये, तो यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो कट कर दो, यानी 10^-5 मीटर, इतना बड़ा, यानी कि 0.0001, इतना ये हमारा साइज होता है, इतना मीटर, ये एक हमारे कैंसर का सेल है। ऐसे ही हमारा गाइस कैंसर के सेल्स के साथ साथ हमारी एंट होती है, यानी चींटियां, यहाँ पे कुछ तो उसने सिंबल दिया ही नहीं है, बुक वाला सठिया गया था, पता नहीं क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल डाले नहीं है, बट मैं बता दूं ये एंट है, चींटी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ये आपके पास इतना साइज दिया हुआ, ये पता नहीं किसका साइज है, भगवान जाने, यहाँ पे कोई भी लगा लो आप, जिसको आपके मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करोड़ों में लाखों में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लो यार, जो भी रहेगा, तो इतने नैनोमीटर हमारा होता है, मैं पूरा पढ़ने नहीं वाला हूं। ऐसे हमारा इसका भी देखो कोई दिया नहीं है, बट बॉल का देके रखा है, समझ रहा है, तो ये बॉल का हमारे साइज है। अब कितने जीरो यहाँ पे, 3, 3 और यहाँ पे कितने 8 है, यानी कि 8 है, यानी कि 10^-1 बचेगा बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे 10^-9 से, ठीक है। तो इतने मीटर यानी 0.1 मीटर, इतना साइज रहता है हमारे टेनिस बॉल का, ठीक है, मतलब टेनिस बॉल रहता है, इसके लेयर का साइज की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल्स, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो पार्टिकल रहते हैं वो 0.1 मीटर वाले साइज के पार्टिकल्स होते हैं टेनिस बॉल में, समझ गया। मतलब देखो यार, नैनोमीटर या नैनो मतलब जो टर्म्स होता है ये ऐसा, इसका मतलब नहीं कि बहुत से छोटी सी चीज रहेगी, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरा एक वायरस भी बना है, तो वायरस भी किसी ना किसी चीज से बना होगा ना, तो जो जिस चीज से वो बना है वो चीज कितनी छोटी है उसका साइज यहां पे लिखा हुआ है। ऐसे अगर टेनिस बॉल है तो जिससे ये पार्टिकल बना हुआ है वो कितना छोटा है, समझ रहे ना, तो उसकी बात यहां पे कर रहा हूं। तो टेनिस बॉल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 0.1 नैनोमीटर के होते हैं। यार ये बॉल देख के बहुत याद आती है, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत मैटर करके रखे थे। आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये बॉल मतलब जो है ना, इसके लिए हम लोग चोरी तक करके बैठे हैं, मतलब मैं और हमारे फ्रेंड्स, दूसरे के घर में बॉल रहेगी, दूसरे के छत होती ना जो मतलब फ्लोर रहता है हमारे यहाँ पे, मतलब उसे पतरा कहते हैं, तो उसके ऊपर ना अगर किसी की बॉल पड़ी रहेगी तो हम लोग चल चल तू चढ़ अभी तू चढ़, दूसरे को चढ़ाएंगे, फिर उसके घर वाला निकलेगा, हम लोग भाग जाएंगे, वो बेचारा मार खाएगा, क्योंकि पतरे के ऊपर चढ़ा रहेगा तो मार ही खाएगा ना। कभी हमारा भी नंबर आया, हमने भी खाया ये बॉल के लिए, तब हमारे टाइम पे बॉल 10 रुपए की मिलती थी, आज कुछ 40-50-60 की मिलती है, और तब हमारे पास 1 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, घर से 1 रुपए अगर 1-2 महीने में मिला तो बहुत बड़ी बात है। अभी कौन सा बड़ा भी नहीं हुआ हूं मैं, और वैसी कंडीशन अभी भी है और पहले भी थी, कोई बड़ी बात नहीं, भाई बड़ा इंसान नहीं हूं मैं, बस पैसों से बड़ा नहीं हूं, बाकी से सब कुछ है, भगवान ने सब दे रखा है, ठीक है। सो इतनी सी चीज यहाँ पे मतलब 10 रुपए की आती थी, लेकिन हमारे पास बॉल नहीं हुआ करता था, फिर हम सारे फ्रेंड लोग 2-2 रुपए 1-1 रुपए जोड़ जोड़ के 10 रुपए करते, फिर हम लोग एक बॉल खरीदते, फिर ये भी फूट जाती, इतना गुस्सा आता ना कि क्या करें। अब तो 40-50 की आती है, थोड़ा बहुत एबल भी है, हम लोग ले भी सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि फ्रेंड ही नहीं है अब सबका अपना अपना काम है, कोई कहीं स्टडी कर रहा है, कोई कहीं चला गया, सब अब खेल ही नहीं सकते, तो ये सारा सिस्टम है। ये बॉल ने बहुत कुछ याद दिलाया, क्योंकि सेम ऐसे ही बॉल हुआ करते थे टेनिस बॉल, तो मैंने आपको बता दिया और कोई नहीं। चलो ठीक है, अभी और आगे देखते हैं नैनो केमिस्ट्री के बारे में। देखो यार, हमारे बॉडी में और दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। हमारी जो एंट है, एंट क्या होती है, अभी आंट हो बोलो, आंटी बोलो, जो बोलो बोलो इसको, लेकिन ये 5 मिलीमीटर इसका साइज होता है, इतना तुमको समझना है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, जानते हो ना कितना होता है, 10^-3 मीटर होता है, ठीक है, तो इतना तुमको समझ के रखना है। ऐसे देखो यहाँ पे 10^-2 मीटर वाले भी हैं, 1 सेंटीमीटर वाले भी हैं, 10 मिलीमीटर वाले भी हैं, जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोकैनिकल नहीं है, ये केमिकल है, रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे माइक्रोन, माइक्रोमीटर है ये, इसको माइक्रोन पढ़ते हैं, माइक्रोन आपको पढ़ के दिखाता हूं, माइक्रोन। तो ये हमारा जो 10 से लेके 100 माइक्रोन तक का जो साइज है, ये हमारे रेड ब्लड सेल का होता है, ये सब समझ लेना। बुक में पूरा कंजेस्टेड कर दिया है, पता नहीं ऐसा क्यों किया, इसको नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी रेड ब्लड सेल जो है इसका साइज 10 से लेके 100 माइक्रोन तक होता है, तुमको समझ के रखना, इतना छोटा होता है, सोचो। फिर ऐसे डस्ट का जो माइट, नहीं का माइट, देखो किसी किसी के टकले में भी माइट लग जाता है,
पता ना जिसको जू बोलते हैं, जू है ना यार, उस माइट को नहीं पहचानते हो, ठीक है? तो डस्ट का माइट भी होता है ना, तो उसका मतलब 200 माइक्रोन, जिसे आप माइक्रोमीटर भी कह सकते हो, 1 माइक्रोन मतलब जानते हो कितना होता है, 10^-6 मीटर होता है, ये इतना छोटा, मतलब समझ रहे हो ना, इतना छोटा वैल्यू। तो मतलब 200 माइक्रोन इतना हमारा डस्ट का यहाँ पे माइक्रोन, इतनी इसकी वैल्यू होती है। फिर ऐसे हमारे ह्यूमन हेयर्स होते हैं, तो ह्यूमन हेयर्स का साइज 10-50 माइक्रोन तक इतना वाइड होता है, जिसका 10 माइक्रोन मतलब 10 माइक्रोन का रहता है ना, उसके बाल बहुत पतले होते हैं, जिसे हम सिल्की बाल भी कहते हैं ना, सिल्की बाल, जिसके कभी बाल खड़े नहीं होते है ना, जैसे कि मेरे भी हैं यार, मेरे बहुत सिल्की हैं, तो मैं अपने बालों को खड़ा नहीं करता। वैसे भी बहुत सारे लोग बालों को बहुत केयरिंग करते हैं, और हमारा क्या है भाई, चलो एक ही हाथ से किधर भी घुमाओ काम 25 हो जाता है, तो इतना कोई टाइम ही नहीं मिला कभी भी बालों को संवारने का। लेकिन चलो आगे देखते हैं, और जिसका 50 मीटर होता है उसका थोड़ा बालों का वाइड जो मतलब रहता है वो ज्यादा होता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बाल पतले हैं मोटे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसके बाल वाइट ज्यादा रहते हैं, तो उसके बाल मतलब उसके हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकता है, खड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, नीचे कर सकता है, जो करना है कर लो, ठीक है? तो ऐसे कर सकता है, ओके। फिर ऐसे रेड ब्लड सेल की अगर बात करूं, तो मैं वाइड होने की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे साइज की बात कर रहा था, मैं यहां पे वाइड होने की बात कर रहा हूं, तो 2.2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक क्या होता है कि ये वाइड रहते हैं, इसके मतलब जो हमारा आरबीसी है इसका साइज। अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो डीएनए तो हमारा भाई एंगस्ट्रॉम से में काउंट किया जाता है, अगर मैं इसे काउंट एंगस्ट्रॉम में ना करूं, अगर मैं नैनोमीटर में करूं, तो 2 से लेकर 12 नैनोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है। हमने डीएनए का डायमीटर भी पढ़ रखा है ऑलरेडी चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 वगैरह में, ठीक है? सो वहां पे पढ़ रखा है, मतलब नहीं का इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में उस चैप्टर में, तो 2 से लेकर 12 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है ना, ये आपको समझना है। ऐसे यहाँ पे क्वांटम कैरोल, यहाँ पे हमारी चीजें होती है, सब माइक्रॉन के अंदर हम चेक करते हैं, नैनोमीटर के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चीजों को चेक करते हैं। अगर आपने सुना होगा नैनो ट्यूब्स, आई होप कि आपने देखा होगा, उसका जो साइज होता है 2 नैनोमीटर का होता है डायमीटर वाला, इतना छोटा साइज होता है। देखो आप, ये नैनो ट्यूब है, उसको जूम करके ऐसे दिखाया इसने, ठीक है? मतलब बहुत छोटा होता है। तो मतलब यार छोटी छोटी चीजें होती हैं और उनको बड़ी बनाई जाती हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल चीजों को कंबाइन करके बड़ा बनाया जाता है। तो हम नैनो ट्यूब मतलब बहुत छोटी ट्यूब यार, आपने आपने एक्स क्या उसका तो मूवी आई थी, वो क्या बोलते हैं उसको अपने इंडिया में, नहीं क्या वो गायब, धूप में गायब हो जाता था, पता नहीं कोई तो मूवी थी, क्या नाम है उसका, एक्स मैन, नहीं एक्स मैन तो नहीं है, कोई भी मिस्टर एक्स जो भी थी, तो उसने देखो नैनो ट्यूब, नैनो मतलब पार्टिकल से बना हुआ कोट पहनता था, वो कोट देखो नैनो पार्टिकल से पहनता, तो फिर क्या होता कि अगर वो कभी भी धूप में आता तो गायब होता था, ऐसा समथिंग कुछ तो मूवी में था, मैंने पूरी देखी नहीं, आइडिया नहीं मुझे ज्यादा, बट वैसा उसमें था ना, वही उसमें नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया करता था। मतलब देखो कोट नैनो पार्टिकल से बनी थी, मतलब नैनो पार्टिकल मतलब इतने छोटे पार्टिकल यार, उन छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन कर करके एक बड़ी चीज क्रिएट कर देना, ठीक है? ऐसा समथिंग था, ओके। खैर छोड़ो, हमने सारी चीजें समझ ली, हमारा एरिया में लाइफ स्टाइल क्या कैसी है, ऐसा कुछ है, ठीक है? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, ओके। अब यहां देखते हैं, हाउ डू वी डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, नई नई टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि किसी चीज में इन्वेंशन करना, तो जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिवाइस एंड सिस्टम कंट्रोलिंग शेप्स, इन सभी को नैनोमीटर स्केल में, यानी कि छोटे से छोटे स्केल में डिजाइन करना, कैरेक्टराइजेशन करना, फिर उसका प्रोडक्शन करना, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और कोई भी कंट्रोलिंग शेप्स, मतलब शेप्स को कंट्रोल करना, स्ट्रक्चर्स को मतलब कंट्रोल करना, तो ये सारी चीजों का हम लोग जो भी चीजें स्टडी करते हैं, जहां भी हम ऐसा चीजें करते हैं, जहां डिजाइन करते हैं, जहां कैरेक्टराइजेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स जहां पे हम अप्लाई करते हैं, डिवाइसेस में कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हमारी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है? तो यही है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नैनो, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नैनो, व्हाट इज नैनो, कहां से हमारा डिराइव हुआ है? तो नैनो मतलब होता है नैनो कार टाटा वाली, ठीक है? तो नैनो क्या होता है, ये ग्रीक मींस ड्वार्फ, एक छोटा, लेकिन अगर इन द सेंस रियलिटी में मैं एक्चुअली नैनो का मतलब बताऊं ना, तो ये ड्वार्फ से भी छोटा। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बटली या बटला, अगर मैं इंसानों में बात करूं मतलब छोटा लड़का या छोटा लड़की, है ना? तो ऐसा होता है ड्वार्फ का मतलब, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं नैनो, नैनो मतलब ड्वार्फ से भी छोटा, मतलब इवन बहुत ज्यादा स्मॉलर ड्वार्फ से, ठीक है? ये आपको समझना है। तो नैनोमीटर की जो स्केल है ना, वो करीबन 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक जाती है, मतलब बहुत छोटा यार। 1 नैनोमीटर मतलब जानते हो क्या होता है, 0.00009 तक 1 मीटर, इतना इतना छोटा, मतलब समझ लो कितना छोटा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर जो 10^-9 मीटर होता है, इतना मतलब बिलियंथ ऑफ द मीटर, इतना है, मतलब कैसे बोलते हैं हम लोग, 1 बिलियंथ टाइम्स ऑफ द मीटर, समझ रहे हो? इतना छोटी वैल्यू, मतलब 1 मीटर को 1 बिलियन की वैल्यू से डिवाइड कर दो, मतलब 1 लिख के 9 बार 0 मारो, उतने से 1 को डिवाइड मारो, उतनी छोटी वैल्यू।
तो वो कहलाती है नैनोमीटर। मतलब इमेजिन करो यार, हम रियलिटी में देख भी नहीं सकते, अपने नेक्ड आय से नहीं देख सकते। नेक्ड आय मतलब मालूम है ना क्या होता है, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं हम। समझ गया, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नैनो मटेरियल। अब ये क्या होता है भाई, ये कौन सी बवाल है। तो नैनो मटेरियल जो होता है ना, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से ना मतलब जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट उनके वन डायमेंशन में होते हैं। अभी वन डायमेंशन क्या होता है आगे चल के पता चलेगा आपको, तो ये वन डायमेंशन में होती है इतना याद रखो। और इनकी स्केल 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक चलती है, और ये हमेशा सिंगल एटम और या फिर उससे भी स्मॉलर देन बैक्टीरियल सेल्स या नॉर्मल सेल्स, इससे भी छोटे छोटे या इससे बड़े साइज या स्केल में भी इन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इनका बेसिक इस्तेमाल नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स है ना, ये सब आप एक बार गूगल करना, ये सब मिलते हैं दुकान में भी मिल जाएंगे आपको, बहुत महंगे मिलते हैं लेकिन ना। तो ये इनके डायमेंशंस के हिसाब से इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नैनो मटेरियल का चीजों को बनाने के लिए। बहुत सारे सेमी कंडक्टर पार्टिकल्स जैसे कि कोई डिवाइस बनाने के लिए, कोई कंप्यूटर है, कोई फोन है, इनमें भी हम नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें आपको समझ रखनी है। बहुत सारे, चलो यहाँ पे समझते हैं, जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन क्या कहलाता है, सभी के बारे में जानते हैं ठीक है। तो जो जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर एग्जांपल लाइक नैनो पार्टिकल्स, ये जीरो डायमेंशनल होता है, मतलब कि एक छोटा सा पार्टिकल रख दो तो इसके अगल बगल कोई डायमेंशन नहीं है। मैं आगे चल के इसको अभी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो, जीरो डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसके इधर ना तो इधर डायमेंशन है, ना इस साइड डायमेंशन है, ना इधर डायमेंशन है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस यार, ना कोई भी इधर डायमेंशन ही नहीं है, देयर इज नो डायमेंशन इन दिस। ओके, सो ये हमारा क्या होता है, ये नैनो पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल को ही डायमेंशन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते, मतलब जीरो डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इज वन इन विच ऑल थ्री डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल। मतलब नैनो स्केल में जितने भी डायमेंशंस रहेंगे सब रह भी सकते हैं, सब नहीं भी रह सकते। अब देखो इस पार्टिकल में अगर बोलो तो कोई डायमेंशन दिख भी नहीं रहा है। अब यहाँ पे एक एक्सिस बनेगा, यहाँ पे तो चारों एक्सिस बन सकते हैं है ना, मतलब देखो कैसे यहाँ पे देखो चारों एक्सिस बन सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर तुम बनाना चाहो तो रियलिटी में एक्सिस कहां, आपका रियलिटी में एक्सिस कहां एग्जिस्ट कर रहा है, बट फिर भी तुम अगर इसको मानो तो यहां पे मान सकते हो कि हाँ चारों एक्सिस हैं है ना। तो ऐसे इसके पार्टिकल्स होते हैं, तुमको समझ के रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, वन डायमेंशनल में क्या होता है कि यहाँ पे एग्जांपल नैनो वायर्स या नैनो रॉड है ना, रॉड लाइक, देखो ना यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे वन डायमेंशन में क्या होता है कि मैक्सिमम टू डायमेंशन ही अवेलेबल रहेंगे, या तो वो भी नहीं अवेलेबल रहेंगे। मतलब देखो या तो यहां से ये पूरा पार्टिकल या तो इस साइड या तो इसके ऊपर साइड, क्योंकि सामने वाला तो ऑक्यूपाइड हो गया, ऑक्यूपाई कर लिया किसी ने, तो ओनली दो डायमेंशन इसमें अवेलेबल है और कोई भी नहीं। और अगर मैं लास्ट वाला यानी थ्री डायमेंशन की बात करूं, यानी सॉरी टू डायमेंशन की बात करूं, तो यहां पे फॉर एग्जांपल थिन फिल्म, यही सारी चीजें हैं। एक फिल्म आप यहां पे देख सकते हो ना, मतलब एक पर्दा यार, एक पूरा फिल्म है ना, एक पतरे जैसा, ऐसा समझ सकते हो, थिन फिल्म या फिर लेयर्स या कोटिंग समथिंग है ना। तो ये हमारा कहलाता है, इसमें ना एक भी डायमेंशन नहीं होता, मतलब ये पूरा चारा पूरा का पूरा एरिया ही, चारों के चारों एरिया ही ऑक्यूपाई कर लेता है, देयर इज नो डायमेंशन ठीक है। अगर मैं मान लो पार्टिकल रख दिया तो यहाँ पे क्या होता है, इधर भी इसका पार्टिकल डायमेंशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बट अगर मैं एक ऐसे एक रॉड ले लूं तो इसमें क्या होगा, या तो इसका इधर डायमेंशन होगा या तो ऊपर होगा, क्योंकि एक डायमेंशन तो ये खुद खा लिया ठीक है। अगर मैंने एक पतरा ऐसे कुछ समथिंग ले लिया तो इसका तो चारों तरफ इधर भी डायमेंशन, इधर भी है, इधर भी है, समझ रहे हैं। तो देयर इज नो डायमेंशन, इसमें दो डायमेंशन, इसमें तीनों डायमेंशन, समझ गया। तो ये तुमको समझना है, अगर देखो इसमें तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड, इसीलिए जीरो डायमेंशन कहलाता है, समझ रहा है यार, पार्टिकल थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा बट समझो। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा सिंगल, यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल कहलाएगा, यानी वन डायमेंशन इसमें नहीं है, इसमें एक भी डायमेंशन ऐसा आप मेंशन नहीं कर सकते, मतलब तीनों डायमेंशन है, जीरो डायमेंशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री डायमेंशन है, सॉरी टू डायमेंशन है, ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उल्टा है बस, हमको उल्टा पढ़ना पड़ रहा है और कुछ नहीं है बस। ये नैनो पार्टिकल का कमाल है, छोटी चीज को पढ़ रहे ना, बड़ी बड़ी चीजों को बहुत पढ़ लिया आप। अभी तक हमने ग्लूकोज लगाया भाई, हमने एल्डिहाइड लगाया, हमने कीटोन लगाया, हमने अल्कोहल डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव, अब थोड़ा छोटी चीजों को लगा लो तो समझ जाएगा। अब छोटी चीजों में पढ़ने में मजा ही अलग है। नाउ आगे बढ़ते हैं नैनो केमिस्ट्री। अब देखो ऐसी एक केमिस्ट्री जिसमें नैनो यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है नॉर्मल केमिस्ट्री का और नैनो साइंस का। नैनो साइंस अभी देखा था ना, क्या था ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना ही नैनो साइंस था है ना। तो केमिस्ट्री और नैनो साइंस का ही कॉम्बिनेशन है जिसमें हम डील करते हैं डिजाइनिंग सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ द नैनो स्केल विद डिफरेंट साइजेस शेप स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, कितना आसान है ना, और फंक्शनल आर्किटेक्चर फिजिकल केमिकल, यही चीजें हमारी नैनो केमिस्ट्री इससे डील करती है। बहुत सारे इसके मेडिकल इंजीनियरिंग में बायोलॉजिकल में अलग अलग इसके क्या है एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में आगे चल के हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होती है जिसे आपको अच्छे से समझ के रखना है ना। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं हमारे नैनो पार्टिकल्स का।
जो नैनो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है ना कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये नैनो स्केल स्पेशियल टाइप के हमारी स्मॉल स्केल में डिफरेंट डिफरेंट लॉज डोमिनेट करते हैं यहाँ पर। अब वो ये एवरीडे लाइफ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से लॉज चलो समझते हैं। पहला है हमारा कलर का। तो कलर में क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको समझना है, यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है हमारे मतलब नैनोमीटर की या नैनो पार्टिकल्स की। नैनोमीटर तो फिलहाल स्केल होती है जिसमें से हम मेजर करते हैं, बट जो नैनो पार्टिकल्स है उनकी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टियां भी होती हैं जिससे मतलब कि ऑप्टिकल वर्ड आया मतलब लाइट आई, समझा ना, ऑप्टिकल का मतलब लाइट होता है। ठीक है चलो, ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स आपने 11th में पढ़ रखा होगा चैप्टर नंबर 9 समथिंग में। ठीक है, तो कलर जो था हमारा इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो कि हमारा नैनो स्केल को मेजर करने में या डिफरेंट टाइप से देखने में हेल्प करता है। अगर मैं किसी गोल्ड के अगर एलिमेंट की बात करूं तो ये एकदम शाइनिंग करता है येलो कलर में। अगर तुमने तुम्हारे पास 100 गोल्ड है एटम्स है, 100 गोल्ड के एटम्स है और तुमने उसको क्यूब में रखा तो ये कलर जो रहेंगे एकदम बहुत ज्यादा रेड दिखाई देंगे। मतलब समझ रहे मेरी बातें मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप मम्मी के गहने जो कान में पहनते हैं उसे उठा के देखो, अगर पहनते होंगे तो सोने वाले गोल्ड क्या मतलब सोने, ठीक है, तो उसे अगर देखोगे ना तुम लोग तो क्या होगा एग्जैक्टली वो आपको येल्लो दिखाई देगा, एकदम चमकता हुआ येल्लो, ठीक है। लेकिन अगर उसके एकदम एटॉमिक पार्टिकल उठा के ना 4-5 पार्टिकल साइड में रखोगे ना ऐसे तो वो येल्लो ना दिख के रेड दिखाई देते हैं। यही होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो पार्टिकल, समझा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स हैं इसीलिए रेड दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा पार्टिकल तो ऐसा ज्यादा ही पार्टिकल आएगा तो देखो येलो दिख रहा है, समझ रहा। तो ये रियल लाइफ में आप जब ऐसा करोगे ना तभी, लेकिन मम्मी के गहने मत बिगाड़ देना देखने के लिए। वैसे भी एटॉमिक साइज में तुम जा भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वैसे हथियार नहीं है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए, वो लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है। चलो अब आगे देखते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं, बहुत मजा आएगा सरफेस एरिया वाले पढ़ने में। क्या होता है ना कि यहाँ पे हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स की बात होने वाली है। देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल है, इसकी बात होने वाली है, ये इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल है। सोचो इतना बड़ा दिख रहा है ना ये, बट सोचो इमेजिन करो यार कितना छोटा होगा रियलिटी में, बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है। बट फिर भी चलो एक पार्टिकल है हमारे पास, इसको तुमको समझ के रखना है। कितना भी कोई दुनिया का पार्टिकल हो ना यार, उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो परफेक्टली एकदम रिमेन सेम ही रहने वाला है, ये आपको समझ के रखना है, ओके ना। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली आगे समझते हैं क्या है जो भी चीजें हमारी दी हुई है। तो सरफेस एरिया जो हमारा रहता है ना, अगर मान लो कोई भी चीज है, इसका सरफेस एरिया भी होगा, इसका वॉल्यूम होगा, सब कुछ रहेगा इसके पास, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया जिसका लार्जली इंक्रीज होता है ना, तो उसका जो वॉल्यूम अगर सेम है और एरिया अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको एक बात समझ के रखना है कि वो पार्टिकल एकदम ज्यादा फास्टर रिएक्ट करता है। अब आप ही बताओ यार, इसके पास सिर्फ एक सरफेस है, इसके पास 1, 2, 3, 4 है, इसके पास कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब अगर कोई रिएक्टर आएगा इसके पास तो सिर्फ एक ही सरफेस एरिया है, इसके पास 4-4 सरफेस एरिया सामने फ्रंट में है, इसके पास तो देखो यहाँ पे 9-9 पार्टिकल्स है, तो किसके पास ज्यादा रिएक्शन होगा आप बताओ। जिसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है, जिसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है वो ज्यादा मतलब क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, समझ में आई मेरी बातें। तो केमिकल रिएक्शन को वही ज्यादा लीड करेगा जिसके पास ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया रहेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक क्यूब एक पार्टिकल का 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर मान लो एक में 6 है तो 6 × इतना, अब यहां पर देखो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उस साइड एक रहेगा, है ना। तो ऐसे काउंट करके मल्टीप्लाई करो, लेकिन सारे यहाँ पे हाफ हाफ ही कंबाइन होंगे, ये पूरा सॉलिड स्टेट वाला फंडा यहाँ पे। फिर ऐसे यहाँ पे एक 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 ऐसे यहाँ पे 1/3 टाइम्स कर दो, क्योंकि सारे देखो एक पार्टिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, समझ रहे हो, एक पार्टिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी आपको समझाना पड़ेगा यार, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो देखो आपको बताता हूं, ये पूरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर का, कितने सरफेस है, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, एक इसके पीछे वाला सरफेस, एक इसके इधर वाला सरफेस, एक इसके नीचे वाला सरफेस, टोटल 6 सरफेस। ये 6 मीटर स्क्वायर का एरिया इसका हो गया। इसके में आते हैं, यहां वाले में आते हैं, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसमें आते हैं, देखो इसमें आ जाओ फटाफट। इसमें क्या है, एक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो इसी एक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इधर देखो एक पार्ट, इधर एक पार्ट, है ना। तो यहाँ पे 1/2, बट है कितने, 6 ही रहेंगे, एक ये इधर दूसरा, ये इधर तीसरा, उसके उधर वाला चौथा, इधर वाला पांचवा, नीचे वाला छठवा, 6 × 1/2। इसको 3 पार्ट्स में किया तो 1/3, जिसकी जैसी एरिया उसके पास उतना रिएक्शन ये करेगा, तो इसमें ज्यादा रिएक्शन होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा और ज्यादा होगा, समझा। तो ऐसे हमारा सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी होती किसी भी नैनो पार्टिकल की। अब हम पढ़ते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में। एग्जैक्टली यार जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना किसी भी चीज की, तो अगर आप इंक्रीज करते हो सरफेस एरिया को तो आपका पार्टिकल का साइज थोड़ा सा आपको मतलब विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, अगर आप पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करोगे थोड़ा बहुत तो आपकी सरफेस एरिया बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, पहले ये पार्टिकल का साइज इतना बड़ा था,
है ना। फिर बाद में आपने क्या किया, उसको डिवाइड किया तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे जब हमने एरिया फाइंड की तो पहले में 6 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 18 मीटर। यहाँ डिवाइड किया तो ज्यादा पार्टिकल का एरिया बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल को डिवाइड करोगे एरिया ज्यादा बढ़ेगा, एरिया का नंबर बढ़ रहा है ना, बस इतना ही आपको ध्यान देना और कुछ नहीं। तो यही चीज यहाँ पे लिख के रखा, वही चीज इंग्लिश में लिख दिया तो कौन सी महान काम कर दिया भाई इसने, डिक्रीज इन पार्टिकल्स अगर करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब नैनो मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कैटलिटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। आपने बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स की कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया होगा, लाइक टिटेनियम ऑक्साइड है ना, फिर जिंक ऑक्साइड, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन सभी का इस्तेमाल तुमने रिसाइकलिंग कर करके नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं। तुमने बहुत जगह प्लैडियम, प्लैटिनम और यहाँ पे जो हमारे पास टिन ऑक्साइड है या फिर हमारा जो जिंक ऑक्साइड है, इन सब का इस्तेमाल हमने किया है बहुत जगह। बल्क फॉर्म में भी हमने किया है, फोटो कैटालिसिस यानी लाइट्स के थ्रू कैटालिसिस जो होता है उसमें भी किया है। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को बूस्ट करता है, रिएक्शन के टाइमिंग को बढ़ाता है, तो वही हमारी कैटलिटिक एक्टिविटी कहलाती है। तो उसमें नैनो पार्टिकल का भी इस्तेमाल होता है। जितना छोटा पार्टिकल रहेगा या फिर जितना उसका सरफेस डिवाइड होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अभी अभी उल्टी चीज यहाँ पे चल रही है, अभी अभी हमने ये देखा, और उतना ही उसकी कैटलिटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो वही चीजें इन सब की, ये नैनो पार्टिकल्स ही हैं, इन सब का इस्तेमाल हमने बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस में कर रखा है। अब अगर देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टी, जिसे मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो नैनो मटेरियल की होती है वो ड्रास्टिकली चेंज होती है और साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब अगर ज्यादा बड़ा साइज है, मान लो अगर 1000 एटम से बना है तो उसकी 288, अगर 10000 एटम से बना है तो 303 केल्विन, अगर बल्क सोडियम मेटल तो 371 केल्विन। मतलब यार जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब देखो आप ही बताओ, अगर आपके पास 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर मिल्क को अगर आप उबालना चाहो, मेल्ट करना चाहो, तो कितना टाइम आपको लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो वैसे ही है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मान लो 1000 है, फिर 10000 एटम से जितना ज्यादा साइज बढ़ाओगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ना आगे बढ़ते मैकेनिकल प्रॉपर्टी की तरफ, ये कोई बताने वाला काम ही नहीं, तो बच्चे ही बताएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, जो हमारे पास नैनो साइज कोई भी कॉपर या पैलेडियम का क्लस्टर या कोई भी डायमीटर वाला साइज वाला कोई भी रेंज वाला ले लो आप, 5 to 7 नैनोमीटर वाला कोई भी चीज ले लो, तो इसकी हार्डनेस जो होती है वो कम से कम 500% तक होती है। ये हार्डनेस है 500% यार, ग्रेटर देन बल्क मेटल। मतलब अगर आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं जानते हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है, छोटू सा, इसी पार्टिकल से एक बड़ा सा चीज बनी है। अब इसको तोड़ने के लिए अगर मान लो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, इसी के पार्टिकल से बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए मान लो आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसको तोड़ने के लिए आपको 500% ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसके छोटे से पार्टिकल को तोड़ने के लिए। मतलब ये वही एग्जांपल है कि अगर बड़ा सा बाम्बू है तो आराम से तोड़ लोगे, तोड़ते तोड़ते जब छोटे से पार्ट में आओगे तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। समझा, ये टेक्निक समझी, अपने मम्मी पापा जो बताते हैं है ना, एक डंडा है तोड़ लोगे, 10 डंडे एक साथ मिला लोगे तो लकड़ी को बंच ऑफ लकड़ी को तुम नहीं तोड़ सकते हो। तो वही एक छोटी सी चीज को तोड़ पाना मुश्किल होता है, बड़ी चीज तो आराम से टूट जाती है। वही चीज यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, छोटा पार्टिकल तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, यही है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यहाँ पे ऑब्जर्व होती है नैनो स्केल में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन नैनो ट्यूब्स, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, और ये सेमी कंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कंडक्टर है बट सेमी कंडक्टर जैसे ये बिहेव करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनके पास होती है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, कैसे बनाते हैं नैनो मटेरियल को, तो इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक है बॉटम अप टेक्नोलॉजी और एक है टॉप डाउन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दो टेक्नोलॉजी है। अगर मैं पहले टेक्नोलॉजी की बात करूं, मतलब कि हमारी जो बॉटम वाली टेक्नोलॉजी है, बॉटम अप वाली, देखो इधर है, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स पहले आते हैं और एक छोटा छोटा मतलब ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, छोटा छोटा पार्टिकल का ग्रुप बनाते हैं, ऐसे देखो छोटे छोटे पार्टिकल का एक ग्रुप बनाते हैं, फिर ये छोटे छोटे ग्रुप आते हैं और बड़े बड़े क्लस्टर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बड़ा बड़ा एकदम ये क्लस्टर बनाते हैं। इस तरीके से हमारा नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, समझ गया, ये हमारा बॉटम अप्रोच हो गया, आप यहां पे रीड कर लेना। और जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बल्क ले लो और इस बल्क को ब्रेक करके छोटे छोटे पहले पार्ट में कन्वर्ट करो, फिर उसको और छोटे छोटे पार्ट में करो, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्जन कर दो। दीज आर दी फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, दो तरीके हैं, एक टॉप डाउन में, एक बॉटम अप। तो कोई भी आप इस्तेमाल करो, बनना तो नैनो पार्टिकल ही है, ये देखो ये पूरे नैनो पार्टिकल है, या तो बल्क को ब्रेक कर दो या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब नैनो पार्टिकल से भी छोटा पार्टिकल होता है दुनिया में भाई, ऐसे नहीं कि नैनो पार्टिकल ही सबसे छोटे हैं, इनसे भी छोटे होते हैं यार। तो उन छोटे वाले को तुम क्या करो, यहाँ पे उससे भी छोटे वाले को एक साथ कंबाइन करो और नैनो पार्टिकल बना दो। तो बॉटम अप और टॉप डाउन दो अप्रोच है।
ठीक है, ये बात आपको समझना है, मतलब ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ कोई भी जा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, वेट केमिकल सिंथेसिस नैनो मटेरियल। अब ये क्या है, चलो इसको देखते हैं भाई। इसमें क्या होता है, सोल जेल का प्रोसेस है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स को आ सकता है और ये आपको लेबोरेटरी में ही बनाना सीख पाओगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो सोल्स होता है ये डिस्पर्शन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स का लिक्विड जैसा होता है ये। इसके अगर साइज की या डायमीटर की बात करूं पार्टिकल्स के, तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक का होता है। ये जो जेल होता है ये कभी भी रिजिड नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड रहता है, ये बात आपको समझनी है। और लेंथ की बात करो तो ये माइक्रोमीटर के तरह है, जिससे कि मतलब एवरेज रहता है, पॉलीमेरिक चेन्स बनाता है ये और एवरेज रहता है इसका जो साइज वगैरह है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा सोल जेल का इस्तेमाल होता है, हमने पॉलीमर में भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस, पॉलीकंडेंसेशन, ड्राइंग एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, इन सब में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अब देखो आपको दिखाता हूं, हमने पढ़ा था ना ये सारे जो नेम मैंने अभी बताया, पॉलीकंडेंसेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिक्यूरियर, इसका इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं जेल बनाने में। यहाँ पे एक सोल यानी कि एक लिक्विड पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं, डिहाइड्रेशन करके जेल का फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। इसको अगर ड्राई करेंगे तो एरो जेल बन जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जेरो जेल बनेगा। ये सबका अलग अलग काम है, कंपनीज में जाओगे तो ही समझेगा भाई। और ये डेंस सेरेमिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। सेरेमिक्स जानते हो ना क्या होता है, ये एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, सेरेमिक्स पुअर कंडक्टर होता है हीट का, मतलब इंसुलेटर आप जिसे कह सकते हो डायरेक्टली। और या तो अगर आप इसको स्पिनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो तो फिर इसका यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लेयरिंग कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी एक फिल्म कोटिंग कर दो, है ना, या तो चाहो तो आप इसको कैल्साइन एक मटेरियल होता है उसको बना दो, या पाउडर फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इस जेल को। तो अलग अलग तरीके हैं, क्या करना चाहोगे आप सब कर सकते हो, बस एग्जाम के लिए इसको 2 मार्क्स के लिए याद रखना, ये जेल है। अब आपको मैं अगर पार्ले जी बिस्किट के बारे में पूछूं तो आप क्या बताओगे, पार्ले जी फाड़ो फिर आटे से बनती है, पता नहीं क्या उसे मिल्क मिलाते हैं, मिलाते भी नहीं मिलाते क्या मालूम। तो वही सब सिस्टम होता है यहाँ पे और कुछ नहीं, तो बस एक ये जेल है जिसके बारे में बता रखा है क्या क्या उसके यूज है। तो थिन फिल्म बना लो, डेंस सेरेमिक बना लो, जेरो जेल बना लो, एरो जेल बना लो, प्रिगोरियर से बनता है ये, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, या तो कैल्साइन बना लो, जो बनाना चाहो सब बना लो, लेकिन बनाओ एग्जाम में डायग्राम बनाओ। ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। ओके चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी कैसे यहाँ पे जो सोल जेल का जो प्रोसेस है ये क्या, तो पहले भाई इसमें मेटल अल्कोक्साइड और वाटर को मिलाते हैं और फिर हमको हाइड्रोलाइज होकर यहाँ पे इस तरीके से सोल जेल बनता है। अगर मेटल ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे मेटल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मेटालिक अल्कोहल है ये। ठीक है, MOH, M मीन्स मेटल, OH means hydroxyl group, तो metal alcohol है जिसमें हम लोग ROM मिलाते हैं और इसमें हम लोगों को बनता है metal, यानी कि ये ethoxide है, ये जानते हो क्या, ये ethoxide है। ठीक है, ये आपको समझना है, ether या जिसे आप कह सकते हो, और ये ROH alcohol हमारा side जाएगा, ये हो गया condensation। तो इस तरीके से हमको gel मिल जाता है, ये हमारा प्रोसेस है। अब M के जगह में कोई भी इस्तेमाल कर लो, मेटल तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेबल सॉल्यूशंस बना सकते हो आप मेटल प्रिकर्सर का इस्तेमाल करके, अल्कोक्साइड का इस्तेमाल है, सॉल्वेटेड का इस्तेमाल करके। अब जिलेशन जो हमारे पास रिजल्टिंग होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, अल्कोहल ब्रिज नेटवर्क में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलीकंडेंसेशन से रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे आप लोग अगर चाहो तो इसका एजिंग ऑफ द जेल, मींस क्या होता है कि यहाँ पे मतलब पीरियड जो ज्यादा टाइम लग जाता है जेल को ट्रांसफॉर्मेशन होने में सॉलिड मास में। आपका एक जेल है आपने घर में देखा होगा आता है खाने वाला, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है एक ना एक दिन, तो उसको जो टाइम लगता है वही उसका एजिंग होता है जेल का, कितना टाइम लगा वो उसकी एज कहलाती है, एजिंग, एजिंग मतलब एज, उम्र। ठीक है, जेल की उम्र जो हमारे जेल नहीं यार, जेल जेल जेल। ठीक है ना, ड्राइंग ऑफ द जेल, अभी ये सूखना, मतलब इन दिस स्टेप में क्या होता है, जो वाटर होता है ये वोलेटाइल लिक्विड है, ये निकल जाता है, वाटर उड़ जाता है हवा में, तो अंदर सिर्फ क्या बचता है, ओनली नेटवर्क बचता है। डिहाइड्रेशन भी कर सकते हो अगर 800 डिग्री सेल्सियस में करना चाहो तो, मतलब जेल को लो और 800 डिग्री सेल्सियस में रख दो तो अपने आप इसका पानी बाहर भाग जाएगा, सब भाग जाएगा, और हीट भी कर सकते हो इस मटेरियल को तुम। ठीक है, तो ये सब इसका यूट्यूब में सारा प्रैक्टिकल अवेलेबल है, चाहो तो जेल के बारे में, सोल जेल के बारे में सब प्रैक्टिकल देख सकते हो, है ना, सब मिलेगा आपको। अगला बढ़ते हैं, एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ नॉन नैनो मटेरियल। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है भाई, तो कैरेक्टराइजेशन या फिर किसका देखना है, नैनो मटेरियल का। अब देखो नैनो मटेरियल तो आप जानते हो क्या है भाई, अभी भी बताया था, बहुत सारी चीजें हैं जो याद ही करनी है आपको, तो इसको टेबल में पहले समझते हैं। यहाँ पर जो क्या दिया, जैसे कि मान लो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसमें क्या होता है कि प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, भाई हमारा नैनो पार्टिकल बना या नहीं बना, किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, और कौन सी टेक्नोलॉजी का नाम है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका नाम है इस टेक्नोलॉजी का। अगला एक्सरे डिफ्रैक्शन, यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर का डिवाइस है, और यहाँ पे पार्टिकल के साइज, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री सब चेक करते हैं। फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इसका डिवाइस का नाम है। ऐसे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल दैट इज मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, उसको चेक करते हैं।
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इसमें पार्टिकल का एग्जैक्ट साइज फाइंड करते हैं। FTIR फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है टेक्नोलॉजी है, इसमें होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बाइंडिंग नेचर्स, इसका हम लोग पता लगाते हैं। चलो सारे के सारे डिवाइसेस का नाम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। भाई पहला है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, ये देख लो भाई बहुत महंगा आता है, देख लो एक बार, खरीदो और चक्कर मत पड़ो, देख लो एक बार बस और कुछ नहीं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, भाई ये ऐसे होता है, ये एग्जाम में 3 मार्क्स को बनाने आ जाएगा, मैं इसमें क्या ही बताऊं कुछ नहीं, बस एक बार देख लो रियलिटी में, आगे चल के डिग्री में जाओगे तो रियलिटी में देखोगे। और देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग कैसे करते हैं, देख लो यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू इसकी इमेज आ जाएगी, तो इस तरीके से यहाँ पे स्कैनिंग होती है, ये भी देख लो। अब डायग्राम दिखाना काम है, ऐसे कैसे दिखता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन TEM, ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन है। अब इसको कुछ समझाने जैसा तो कुछ नहीं, यहाँ से बीम ऑफ लाइट देते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और गम वगैरह साइड गन होती है, गन डिफ्लेक्टर, जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के बाहर निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ऐसे ही हमारे पास FTIR मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये बहुत आसान होता है, छोटा सा भी है, तो इसका भी तुम लोग यहाँ पे मतलब रबी कलर्स या फिर कोई भी चीजें छोटी फिर छोटी चीजों को तुम यहाँ पे पता कर सकते हो इसका इस्तेमाल करके। तो बस बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोप हैं और बहुत सारे मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप हैं, इन सब का इस्तेमाल तुम अपने अपने लेवल में कर सकते हो। बस नैनो पार्टिकल को पता करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, यही चीजें तुम्हें याद रखनी है। और बाकी तो यार कलर्स हैं, आप थोड़ा ध्यान देना कलर वलर में, कलराइजेशन भी होता है। चलो हिस्ट्री ऑफ नैनो पार्टिकल के बारे में समझते हैं, हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ ही समझाने जैसा नहीं इसमें, ठीक है। तो नाउ हिस्ट्री ऑफ नैनो पार्टिकल, भाई 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने DNA के बारे में बताया था, तब इसने नैनो टेक्नोलॉजी बताई थी। फिर रिचर्ड फाइनमैन, इन्होंने कुछ बताया भाई, है ना, वॉटसन एंड क्रिक मालूम ना DNA वाला, वॉन एंड न्यूमैन मशीन, मशीन कौन सा भाई, इंसानों का नाम मशीन किसने रख दिया, ठीक है चलो कोई नहीं। 1966 में मशीन जी आए थे और मशीन ने पता नहीं क्या किया, मेरे को भी नहीं मालूम कौन सा साइंटिस्ट ने क्या किया है, आई डोंट नो, बट इनका कुछ ना कुछ फॉर्मेशन रहा होगा तभी हिस्ट्री दिया है। तो बस इतना रखो कि वॉटसन एंड क्रिक पहले DNA वाला मेरे को मालूम है क्योंकि ये फेमस इंसान है, और बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं होता, मुझे लोगों के नाम याद नहीं होते, मेरी वीकनेस है, ठीक है। थोड़ा सा इतना तुमको समझ के रखना है और ये थोड़ा तुमको याद रखना है। और एरिक ड्रेक्सलर, ये कौन है भाई, फोरसाइट इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया होगा, इनको नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव INR 1999, फिर सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबल नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें भी इसका कुछ ना कुछ यूज दिया होगा, योगदान दिया होगा। बस इसका मेन ही एम है कि हमारा, देखो बताता हूँ मैं आपको क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक में क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ कि कभी से भी स्टार्ट हो उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने छोटी से छोटी चीजों में 100 ईयर्स में से बहुत सारी ऐसे एडवांस टूल को डेवलप किया है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को दूर किया है, और हमने ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी को लाया है जिससे कि हम नैनो स्केल में कोई भी चीज को चेक कर सकते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ, यही हिस्टोरिकल है, ठीक है, ये तुमको अच्छे समझ के रखना है। बाकी किस साइंटिस्ट ने किया वो नाम याद नहीं रखने से कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ऐसे बहुत सारे जैसे ब्यूटीफुल रबी रेड कलर्स, इनके बारे में पता करना, एंशियंट ग्लास पेंटिंग के बारे में मालूम करना, सब पता कर सकते हैं। ऐसे डेकोरेटिव ग्लेज या फिर मेटालिक फिल्म या लश्चर यानी चमक बढ़ाने के लिए, मेडिवल पॉटरी पुराने जमाने की जो होती है उसको पता करना, कार्बन ब्लैक के बारे में नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल में पता करना, टायर्स के मतलब लेंथ को, कार के लेंथ को, उसके डिस्कवरी ऑफ लाइफ टायर को, मतलब जो लाइफ हमारे टायर की लाइफ होती है जो कार वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो उसकी 900 में हमारी डिस्कवरी हुई ड्यू टू नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। फिर ऐसे कार्बन ट्यूब का हमारा मतलब इनहांसमेंट हुआ और इसका हमारा मतलब इनोवेशन हुआ इसमें, और हमें नैनो साइज डायमीटर वाला नैनो ट्यूब मिला, और इसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ भी थी तो वो भी अच्छा हमको पता चला। तो ये सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है। ऐसे ही करते करते अब हम एप्लीकेशन थोड़ा देखते हैं, तो भाई एप्लीकेशन तो तुम भी पढ़ सकते हो, बट फिर भी बता देता हूँ क्या है, चलो रीड ही तो करना है, ठीक है। सो जो एप्लीकेशन से एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स को तो ये आ ही सकता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है ये हमारा ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है नंबर ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, केमिकल, कैटालिटिक और बहुत सारी प्रॉपर्टियों में। फॉर एग्जाम्पल नैनो पार्टिकल जो होता है कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉगर, लाइटर, क्लीनर, स्मार्टर सर्फेसिस में, और ये हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रैच प्रूफ आई ग्लासेस में इस्तेमाल होता है इसका, मतलब जिसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आना चाहिए उसमें। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लाइक मतलब मैग्नेटो रजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी MRAM इसमें इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है प्यूरिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में, टेक्निक्स में, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में भी। एडवांटेजेस देख लो क्या है, तो रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, छोटी छोटी चीजें आज देखो, आज पहले के जमाने में 5 MB की एक मेमोरी एक घर के बराबर थी,
आज 256 GB की मेमोरी छोटे से एकदम फोन के अंदर घुस जाती है। तो ऐसे ये एनर्जी सेक्टर्स बनाए हमने, मेडिकल फील्ड्स बहुत सारे बनाए, केयरिंग जो लाइफ की क्यूरिंग करना, डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, इन सबको ठीक करना, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मोर एफिशिएंट बनाया हमने, इन सारी चीज़ों को। तो ये नैनो पार्टिकल का कमाल है। डिसएडवांटेजेस भी इसके बहुत सारे हैं। तो गाइस क्या होता है कि बहुत सारी अगर पॉसिबिलिटी है तो उसके एडवांसमेंट अगर करोगे तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड को बहुत सारी नैनो टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज ऑफर्स हुई, जिससे क्या होगा कि पोटेंशियल रिस्क भी मिला और डिसएडवांटेजेस बहुत सारे इसके हुए। नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम थोड़ी आई, और जो कि इंक्रीज हुआ पॉल्यूशन ज्यादा, और एयर पोल्यूशन तो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा, जिससे कि इस नैनो पोल्यूशन को भी हम कह सकते हैं, और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नैनो पोल्यूशन बहुत ही डेंजरस है। तो ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा, खत्म कहानी। तो यहां से हमारा खत्म हुआ नैनो पार्टिकल का सिस्टम भी, कुछ नहीं था इसमें, बस ऐसे ही बहुत आसान था, आप भी रीड करते तो यार हो जाता, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि पढ़ा दो तो पढ़ा दिया मैंने। तो फाइनली यार मेरा केम खत्म हो गया, ठीक है, पूरे के पूरे 16 चैप्टर हमने पढ़ लिए, इसमें कुछ पढ़ने जैसा था नहीं, बट फिर भी खैर छोड़ो, लास्ट चैप्टर था तो पढ़ लिया हम लोगों ने, मजा आ गया हमको पढ़ के, है ना। चलो 16 चैप्टर खत्म, अब तुम कमेंट में बताना यार तुम्हारे कितने पढ़ के हुए, क्योंकि मुझे सुनना है तुम लोगों से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर, मिलेंगे ऐसे ही और कभी किसी नए, अब क्या मिलेंगे, अब तो कुछ नहीं मिलेंगे, अब तो खत्म ना यार, सब पढ़ा के हो गया, तो किसी और सब्जेक्ट, किसी और नए से मोड में मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं देखा जाएगा क्या होता है यार, बस और कुछ नहीं, मुझे तो बस खुशियां हो रही हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय कहने का मन नहीं कर रहा है, मैं अकेले बैठा हूँ फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी खुशी आ रही है, ठीक है। सो बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।